वेलकम टू ओडिया एग्जाम पब्लिकेशन बर्तमान आम आलोचना करवा ओएसएपी आईआरबी एसआईआर एंड एसएस सिपाही कांस्टेबल ल एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चन स्पेशल जीके र सेट टू भिड आरंभ पूर्व कह रखुच्छे जो मैंने प्राक्ट सेट चाहूँ से मतलब कंटाक्ट कर 7504593110 में कंटाक्ट करके पेड प्राक्ट सेट 10 तुम्हें नहीं पार मात्र 50 रुपीज। फास्ट क्वेश्चन आम आलोचना करवा हु वाज द फास्ट चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जो भाई जीके तुमको दौर यही जीके क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन तुम रिपीट देखा मिले। फास्ट क्वेश्चन अच्छी हु वाज द फास्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया प्रथम निर्वाचन जो चीफ इलेक्शन कमिशनर किए अच्छा निर्वाचन आयोग चीफ किए थे सठिक आंसर एक नंबर कौन ऑप्शन नंबर डी सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर सुकुमार सेन बुझीगला। जदि आम से देखा क्वेश्चन नंबर एक हिसाब से फास्ट चीफ इलेक्शन कमिशन जगह जब बर्तमान पचार था रिसेंट चीफ इलेक्शन कमिशन किए अच्छा रिसेंट चीफ इलेक्शन कमिशनर किए अच्छा सठिक आंसर कौन हो राजीव कुमार। राजीव कुमार राजीव कुमार केत नंबर चीफ इलेक्शन कमिशनर 25 नंबर 25 चीफ इलेक्शन कमिशनर बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ डैश क्वेश्चन कौन आर्टिकल 324 का सहित डील करुच आम जानते आर्टिकल 324 हूँ पार्ट 15 पार्ट 15 बा एक्स भि रही पार्ट 15 रही जोटा कि तुम इलेक्शन को लेकिन चलुचे तेणुक इलेक्शन केतरु के स्टार्ट तुम इलेक्शन इलेक्शन पार्ट एक्स भि रही बुझीगला। तेणुक क्वेश्चन नंबर दुई सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बुझीगला। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम क्वेश्चन नंबर तीन व्हेन वाज द फेमस डांडी मार्च स्टार्टेड क्वेश्चन कौन फेमस डांडी मार्च तुम केबे ठू स्टार्ट होता क्वेश्चन नंबर तीन ऑप्शन अच्छी तुम 1920 1942 1930 आ तुम 1905 सटिक आंसर कौन हो 1930 आम डांडी मार्च किए स्टार्ट करते महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट होता कौन तुम डांडी मार्च 1930 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम क्वेश्चन नंबर चार हु इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्वेश्चन कौन किए तुम एक्स ऑफिसो चेयरमैन होती राज्यसभा राज्यसभा एक्स ऑफिसो चेयरमैन किए अटंती आम जानते राज्यसभा जे भी चेयरमैन थे सही थे कौन भारत वाइस प्रेसिडेंट भारत वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन कौन हु इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा सटिक आंसर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुझीगला। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम हु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा गंगा नदी ट्रिब्यूटरी नदी किए सुभनश्री मानस गंडक झंस्कार ये तुम गंगा देखा गंगा जो भाई बही जाइए गंगार राइट ट्रिब्यूटरी देखिया राइट ट्रिब्यूटरी तुम किए रे यमुना झांसा तमाशा तमाशा सन दामोदर एटसेट्रा बुझीगला। जब आम लेफ्ट ट्रिब्यूटरी देखा किए किए रे रामगंगा गोमती गंडक कोसी घाघरा बुझीगला ये हूँ तुम लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ये हूँ तुम राइट ट्रिब्यूटरी तेणुक कौट रही आम जानले बी ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर गंडक इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ऑफ गंगा बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम व्हाट इज द नॉर्मल टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा 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 आम जानते लोकसभा आठ हूँ आम राज्यसभा राज्यसभा आज आम लोकसभा राज्यसभा को आम कही था उपर हाउस लोकसभा को आम कही था लोअर हाउस ये देखा राज्यसभा राज्यसभा आर्टिकल के राज्यसभा आर्टिकल रही आर्टिकल 80 लोकसभा आर्टिकल 81
ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ମନୋନୀତ ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକସଭାରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 6 ବର୍ଷ, ବୁଝିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋକସଭାକୁ ଯିଏ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 5 ଇୟର୍ସ, ମନେ ରଖିଲ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେଠିକି ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ୟୋର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 6 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ଟେନୋର ଅଫ୍ ଦ ଲୋକସଭା, ଲୋକସଭା ଦେଇଛି ମାନେ 5 ଇୟର୍, ଲୋକସଭା ଦେଇଛି ମାନେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ 5 ଇୟର୍, ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭା ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର ହେଇଥାନ୍ତା ରାଜ୍ୟସଭାର 6 ଇୟର୍, ବୁଝିଗଲା। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ୟୋର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଆମେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7, ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭିଜିଟେଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସେ କାହାର ଟେନୋର ବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେତେ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବ 1921 ମସିହାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେ କ'ଣ ଆସିଥିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, ହୁ ଏମଂ ଦ ଫଲୋଇଂ ବିଲ୍ଟ ବୁଲନ୍ଦର ୱାଜା, ବା ଭିକ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଦ ଗେଟ୍ ଇନ୍ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ଆସିଗଲା ନା, ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ଠାରେ ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବ ଆକବର, ବୁଝିଗଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ୟୋର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଆଜ୍ ନୋବେଲ୍ ଫିଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବାଇ ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କିଏ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର। ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ପାର୍ଟକୁ ବା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର କେଉଁ ପାର୍ଟ ବା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲକୁ ଆମେ ନୋବେଲ ଫିଚର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି, ଡିପିଏସ୍ପି, ଡିପିଏସ୍ପି, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି। କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆର୍ଟିକେଲ 36ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯାଇକି ଶେଷ ହେଇଛି ଆର୍ଟିକେଲ 51ରେ, 36ରୁ 51, ବୁଝିହେଲା। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି, ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି। ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାହେଇଛି ନୋବେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଚର, କାହାକୁ, ଡିପିଏସ୍ପି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଭର୍ ଅରିଜିନେଟ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଦେଖ, ସାଳନ୍ଦୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ସାଳନ୍ଦୀ, ଇଏ ତୁମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏରିଆରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଅରିଜିନ୍। ବୈତରଣୀ ହେଉଛି ତୁମର କେନ୍ଦୁଝରରୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଉ ହେଉଛି ତୁମର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଆଉ ହେଉଛି ତୁମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଏଇ ଦୁଇଟି ନଦୀଟି ତୁମର କେଉଁଠୁ ଅରିଜିନ୍ ହେଇଛି, ନା ତୁମର ଛୋଟ ନାଗପୁର ପ୍ଲଟେରୁ, ଛୋଟ ନାଗପୁର ପ୍ଲଟେ, ବୁଝିହେଲା। ଛୋଟ ନାଗପୁର ପ୍ଲଟେରୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ନଦୀ ହେଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, ଏନ୍ ଆଇ ଆକବରୀ ଆଣ୍ଡ ଆକବର ନାମା ୱେର୍ ରିଟିନ୍ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍। ଆକବର ନାମା ତୁମର କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଇନ୍ ଆଇ ଆକବରୀ ଆଉ ଆକବର ନାମା, ଏଇ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅବୁଲ ଫଜଲ, କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ୟୋର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଅବୁଲ ଫଜଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଲିଡ୍ ଦ ଚମ୍ପାରନ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଚମ୍ପାରନ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ କିଏ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ। ଚମ୍ପାରନ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆମର, ତାକୁ ଲିଡ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ଚମ୍ପାରନ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ୟୋର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଚମ୍ପାରନ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ ଲେଖିକି ଜଣା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଲେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଲେକ୍ର ନାଁ କ'ଣ, ପଟ୍ଟା ଲେକ୍, ଚିଲିକା ଲେକ୍, ସାରା ଲେକ୍, ଅଂଶୁଳ ଲେକ୍। ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ୟୋର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଅଂଶୁପା ଲେକ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଂଶୁପା ଲେକ୍ ତୁମର ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଏମ୍ପାୱାର୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଟୁ ଇସ୍ୟୁ ରିଟ୍ ଫର୍ ଦ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଟିଜେନ୍। ତାହେଲେ 14 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଆର୍ଟିକିଲ 32, ଆର୍ଟିକିଲ 32, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରେମିଡ଼ିଜ୍ ଫର୍ ଦ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ କନଫର୍ ବାଇ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ, ବା ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ
कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमेडीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32, जो थरे कि आर्टिकल 32 अंडर रे हमरा पांचटी करौजी रीड्स रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया हमें, क्वेश्चन नंबर 15, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन द ईयर ऑफ व्हिच ईयर, क्वेश्चन कोची रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत रो रिजर्व बैंक केते मसिया रे तुमरो नेशनलाइज होइतिला, यदि हमें देखिबा 1935 मसिया रे स्थापन करा जाइतिला आर्टिकल 1934 अनुसार 1935 मसिया रे स्थापन करा जाय 1949 मसिया रे तुमरो नेशनलाइज करा जाइतिला, ऑप्शन नंबर डी हे जीवो तुमरो सटीक आंसर बुझियाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया हमें, क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 मसिया रे जतेल तुमरो बंगाल पार्टीशन हेतिला, 1905 मसिया रे जतेल तुमरो बंगाल पार्टीशन हेतिला सेते बेले भारतर ब्रिटिश मानक द्वारा किए वाइसरॉय थिले, 16 नंबर रो सटीक आंसर हे जो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन, कोन जीव लॉर्ड कर्जन जतेले कि वाइसरॉय थिले सेते 1905 मसिया रे तुमरो बंगाल पार्टीशन हेतिला, 1906 मसिया रे कोन हेतिला 1906 मसिया रे तुमरो इंडियन मुस्लिम लीग स्थापन हेतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, द थेरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन व्हिच रिवर, थेरी डैम जे कोन से डैम तुमरो एग्जाम देखियो मिल पारे, डैम हो कि मा नेशनल पार्क हो कि मा तुमरो टाइगर रिजर्व हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो एगो मन रखि जेबा पडियो जहाले ता भितर गुटे क्वेश्चन तुमको देखिया को मिले, थेरी डैम ते तुमरो केउ नदी उपरे अवस्थित, ऑप्शन नंबर डी भागीरथी, भागीरथी नदी उपरे तुमरो थेरी डैम टी अवस्थित बुझियाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 18, द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज डीएस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH बुझियाला, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये तुम देखिया केमिकल नेम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रे कोन जीवो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड होम रूल लीग इन एप्रिल 1916, एप्रिल 1916 मसिया रे होम रूल लीग किए आरंभ करथिले, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेष क्वेश्चन सेट 2 रो शेष क्वेश्चन, जो माने सेट 1 देखिना जाई प्ले लिस्ट रे देखि परिबो, सर्च करिवो ओडिया एग्जाम, ओडिया एग्जाम पब्लिकेशन, ओडिया एग्जाम पब्लिकेशन सर्च कला परे प्ले लिस्ट की जीवो, प्ले लिस्ट रे तुमरो कोन रहउची ओपीआरबी बा ओडिसा पुलिस ओएसएपी एंड आईआरबी बटालियन एंड सिपाही कांस्टेबल, प्ले लिस्ट की जाएंगी समस्त वीडियो तुम मैंने देखी परियो, एग्जाम ओरिएंटेड स्पेशल जीके स्पेशल मैथ स्पेशल जो क्वेश्चन रही तुम्हारा एग्जाम रे डायरेक्ट देखा को मिलो। महानंदा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ डैश रिवर, महानंदा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ डैश रिवर, महानंदा नदी टी तुम क्यों नदी उपनदी बा शाखा सटीक आंसर है गंगा, द गंगार लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो किए ना महानंदा बुझीला, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। वीडियो को शेष पर्यटन देखते धन्यवाद, जो मैंने प्राक्ट सेट चाहूँ से मत कंटाक्ट कर 7504593110 एग्जाम बहुत अल्प दिन रही एग्जाम तुम बहुत शीघ्र हाँ जाऊँगी अल्प दिन रहा तुम कौन एग्जाम 7 December तुम स्टार्ट एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम सीबीआरटी मोड्रे कंप्यूटर बेस्ड रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन रही है जो थे कि तुमको नॉर्मलाइजेशन देखा मिली केमी नॉर्मलाइजेशन हम तुमको कही रखी वीडियो शेष पर्यटन देखते धन्यवाद सांग सहित शेयर कर रखियो वीडियो।